सो ही गाइस, आप सभी का स्वागत है कोरनी वीडियो में। और आज के इसलिए वीडियो में मैं आपको बताने लगा कैसे आप कर सकते हो सिग्मा गेम को लैग फिक्स। गाइस, अगर आप ये गेम किए हो डाउनलोड और ये गेम खेलो बट आपका गेम काफी लैग कर रहा है, जिसमें कि अगर आपके पास 1 GB वाला फोन है, 2 GB वाला फोन है, 3 GB वाला फोन है, या फिर 4 या फिर 6 GB वाला फोन है और उसमें अगर आपका ये गेम लैग कर रहा है, तो ये वाला वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि न्यू गेम लॉन्च हुआ है और बहुत सारे बंदे प्लस हाई एंड डिवाइस के अंदर भी ये गेम लैग कर रहा है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखो मैं कितना स्मूथली गेम खेल पर भी हाई ग्राफिक के अंदर, बट गाइस अगर आपका गेम काफी लैग कर रहा है तो ये वाला वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लस हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपका लैग फिक्स होने वाला है। बाकी गाइस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, बिल्कुल वीडियो को इंटक देखना, ये वाला वीडियो हेल्पफुल होने वाला आपके लिए। तो एक लाइक और सब्सक्राइब करने मोटिवेशन के लिए, बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, अभी मैं हूँ अपने लॉबी के अंदर सिग्मा गेम के अंदर, यानी कि फ्री फायर लाइट के अंदर। गाइस देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने गेम की सेटिंग के बारे में, क्या क्या करना है आप गेम के अंदर। गाइस अगर आप सेटिंग के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे मिलता है आपको डिस्प्ले, क्योंकि डिस्प्ले काफी मैटर करता है, और इसमें ग्राफिक मिलता है आपको स्मूथ, स्टैंडर्ड, अल्ट्रा, मैक्स। गाइस देखो, यहाँ पे ग्राफिक काफी मैटर करता है, क्योंकि ग्राफिक से ही गेम लैग होता है। इंपॉर्टेंट मतलब 50% होता है चांस ग्राफिक से लैग होने का। तो आप यहाँ पे देखो, अगर आपका फोन सपोर्ट करता है मैक्स में, अगर आप मैक्स में खेलते हो तो आपको अल्ट्रा में खेलना है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे हाई एफपीएस भी करके ही खेलना है, क्योंकि हाई एफपीएस से भी गेम काफ़ी स्मूथ चलता है। तो बाकी देखो, अगर आपका अल्ट्रा सपोर्ट करता है तो आपको खेलना है स्टैंडर्ड के अंदर, अगर आपका सपोर्ट करता है स्टैंडर्ड तो आपको खेलना स्मूथ में, या फिर अगर आपका सपोर्ट करता है अल्ट्रा और अल्ट्रा पे लैग कर रहा है, स्टैंडर्ड पे लैग कर रहा है, तो आपको खेलना है स्मूथ में हाई एफपीएस करके। बाकी गाइस अगर आपका 1 GB वाला फोन है और हाई एफपीएस में गेम लैग कर रहा है, गाइस आपको खेलना है नॉर्मल पे। बाकी गाइस हम लोग यहाँ पे बात कर लिए अपने ग्राफिक की सेटिंग के बारे में। गाइस अगर बात करें फिल्टर के बारे में, आप यहाँ पे क्लासिक, ब्राइट कुछ भी कर खेल सकते, क्योंकि फिल्टर से यहाँ पे लैग नहीं होता है। और बाकी एक और आपको सेटिंग करना है, आपको खोलना है अपना सेटिंग, यहाँ मिलता है आपको ब्राउजर पे, आपको क्लियर कैच करना है। जब भी आपका गेम लैग होता है आपको यहाँ पे करना है क्लियर कैच, क्लियर कैच करना आराम से, कोई दिक्कत होगा नहीं। बाकी गाइस हम लोग यहाँ बात कर लिए अपने ग्राफिक सेटिंग के बारे में, मोबाइल के सेटिंग के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे अपने फ़ोन के सेटिंग के बारे में, क्या क्या आपको फ़ोन के अंदर करना है ताकि आपका गेम लैग ना हो पाए। सबसे पहले गाइस आपको अपना खोलना है फाइल मैनेजर, मेरा मतलब गाइस फाइल मैनेजर ओपन करना। अगर आपका यहाँ पे होता है स्टोरेज 32 GB या फिर 64 GB या फिर 128 GB या फिर 256 GB, और उसमें से गाइस अगर आपका 70% नहीं है खाली या फिर 50% खाली नहीं है, तो आपका गेम लैग करे गारंटी के साथ। गाइस आप यहाँ पे देखो मेरा फ़ोन कितना यहाँ पे भरा हुआ है, यहाँ पे केवल 400 MB खाली है, बट यहाँ मेरा गेम लैग करता है। इसलिए आपको हो सके जितना स्टोरेज को रखना है खाली, क्योंकि हालांकि मेरे को इस गेम प्ले रिकॉर्ड करना पड़ता है, इसलिए मेरा स्टोरेज फुल है, बट गाइस आपको स्टोरेज को रखना है 50% खाली। बाकी गाइस अगला क्या करना है, आपको अपने फ़ोन के अंदर होता है गाइस अपना वायरस क्लीनअप, मतलब वायरस क्लीन करने के लिए बहुत सारे होते हैं एप्लीकेशन जो कि ऑलरेडी मिलता है फ़ोन की तरफ से। तो गाइस आपको ओपन कर रहे हैं और आपको हमेशा यहाँ पर करना है वायरस को क्लीन। हालांकि मेरे फ़ोन के अंदर ऑलरेडी है फ़ोन मैनेजर नाम से, तो यहाँ पे आपको हमेशा स्कैन करते रहना है। गेम खेलने से पहले आपको एक बार स्कैन करके ही गेम ओपन करना है, क्योंकि इससे गाइस आपके फ़ोन में जितना वायरस वगैरह, बेकार बेकार वायरस वगैरह को, बेकार बेकार फाइल्स वगैरह को ये रिमूव कर देता है। इसलिए आपको गेम खेलने से पहले एक बार स्कैन करके ही गेम को ओपन करना है, तो आप ये काम कर सकते हो। बाकी गाइस देखो, इसके अलावा आपको करना है कुछ नहीं, आपको अपने सेटिंग खोलना है, सेटिंग ओपन करना। सेटिंग में गाइस आपको यहाँ पर सर्च करना है डेवलपर ऑप्शन, सर्च बार का ऑप्शन आप लोग यहाँ पर करना डेवलपर ऑप्शन। अगर आपके फ़ोन के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे ओपन रहता है डेवलपर ऑप्शन, तो आप लोग डेवलपर ऑप्शन को ओपन कर लेना। यहाँ मैंने सर्च किया डेवलपर ऑप्शन, बट यहाँ पे कोई भी डेवलपर ऑप्शन का फाइल नहीं आया, मतलब ऑप्शन ही नहीं आया। तो आपको जाना है अपने अबाउट सेक्शन में, अबाउट फोन, बिल्ड नंबर, आपको यहाँ मशीन पर टैप करना है, आपके सामने आएगा आपका मतलब पासवर्ड फ़ोन का, आप लोग पासवर्ड को कर देना फिल, और आराम से आप लोग डेवलपर ऑप्शन में जा पाओगे। बस आपको एडिशनल ऑप्शन ओपन करना है, एडिशनल मिलता है आपको डेवलपर ऑप्शन। देखो गाइस हर एक फ़ोन का अलग तरीके से मिलता है डेवलपर ऑप्शन, तो अपने हिसाब से ढूंढ लेना। वीवो, ओप्पो, मतलब आईक्यू के फ़ोन में अलग अलग तरीके से मिलता है, तो किसी में सर्च कर मिल जाता है, प्लस किसी में यहाँ पे अबाउट सेक्शन के अंदर मिलता है। तो मेरे पास रियलमी का फ़ोन है, तो यहाँ पे ढूंढना काफ़ी मुश्किल पड़ गया था मेरे को, बट मैंने यहाँ पे ढूंढ लिया। और गाइस बस आपको डेवलपर ऑप्शन में कुछ भी यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि इससे आपका फ़ोन भी बिगड़ सकता है प्लस बन भी सकता है। तो बस आपको यहाँ पे दो ऑप्शन को ढूंढना है, 4X MSA और डिसेबल HW ओवरले। बस इन दोनों ऑप्शन को ओपन कर देना है, मतलब ऑफ होगा आपको ऑन करना है। इससे क्या होगा, देखो गाइस आपका कितना भी लो एंड डिवाइस हो, 1 GB 2 GB 3 GB रैम वाला कितना बेकार फ़ोन हो, इन दोनों ऑप्शन से गाइस आपका प्रोसेसर हल्का सा रिबूस्ट होता है, मतलब बूस्ट होता है, और आपके गेम को स्मूथ चलाता है, तो गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी सही दिलवा देता है।
तो ये दोनों ऑप्शन को आप लोग ऑन कर देना अगर आपके पास लो एंड डिवाइस हो तब, अगर आपका गेम लैग करता होगा तब। बाकी गाइस आज के इसलिए वीडियो में इतना ही था, मैंने आपको बता दिया बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक, अगर आप इन सभी टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करते हो तो आपका सिग्मा गेम कभी लैग नहीं करने वाला, फ्री फायर लाइट कभी लैग नहीं करेगा। बाकी आज के इसलिए वीडियो में इतना ही था, मिलते नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पीस आउट गाइस।